आप वहाँ रहिए, मेरे पास रहिए, हम दोनों सर्विस बराबर देंगे। इसका तो भाई आप लोग खुल के विरोध कीजिए, इसका तो भाई आप लोग खुल के विरोध कीजिए। खेसारी लाल जी स्टेज पर डिंपल सिंह जी को कहते हैं कि तू पवन भैया के पास रह चाहे हमारा पास रह, तोरा दोनों तरफ से सर्विसिंग बराबर मिली। अच्छा, वो स्टेज वहाँ पे कला दिखाने का वो स्टेज है या वो सर्विसिंग सेंटर है जो वहाँ पे सर्विसिंग हो रहा है? तो इसका तो भाई आप लोग खुल के विरोध कीजिए, तो इसका तो भाई आप लोग खुल के विरोध कीजिए। खेसारी जी बोले चाहे नहीं बोले उसमें भी लोग कमेंट करते हैं, चूंकि डिंपल सिंह जैसे आते तो लोग न्यूज वाले बनाते ये देखिए पवन सिंह को छोड़ के डिंपल सिंह ने खेसारी जी के साथ स्टेज शो किया, गलत लगा तो पब्लिक को तुरंत वहीं पर विरोध करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे पब्लिक मतलब बाबा कैसे विरोध करेगी? वहाँ पे लोग ये थोड़ी कहने लगेंगे खेसारी भैया ये बात मत बोलिए नहीं तो हम चल जाएंगे घर। नहीं, देखिए पब्लिक को अच्छा लगती है, पब्लिक तो फनी बात सुनती है। कहीं से ये सही है ये नहीं है कि तू वहाँ रह चाहे यहाँ रह, तोरा दोनों जगह से सर्विसिंग बराबर मिली, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो अर्थ नहीं निकलता तो इसको आपको खूब विरोध करना चाहिए खुल के। जी, पवन सिंह जी का एक गाना रिलीज हुआ है आरा बलिया छपड़ा, ये गाना आया और आते ही ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसका? नहीं, सारे का मसा अच्छा गाना है, उस गाना कम से कम 500 मिलियन का है और जल्दी 200 मिलियन होगा 2-3 महीना में। पवन सिंह जी के लिए भी कई गाने जो है तैयार है, कब हमारे ऑडियंस को देखने को मिला? क्योंकि पवन सिंह जी के जो फैन है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए जल्दी मिलेगा सुनने के लिए, हम तो बहुत पहले 2023 में गाना बना था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा ट्रिपल 7 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों भी हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार गीतकार हमारे साथ पवन पांडे जी एक बार फिर से हैं। बाबा सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे? प्रणाम नमस्कार, जितने लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज सबको नमस्कार है, प्रणाम है, अच्छे हैं। बाबा होली आ गया है, लगभग होली का सारे स्टार का जो है गाना रिलीज होने लगा है। पवन पांडे जी के होली का बहुत बेसब्री से ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं, कब लेकर क्या रहे? देखिए होली रिलीज हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमने के सही में अगर ताल ठोका जा रहा था बसंत पंचमी के सरस्वती पूजा के दिन ताल ठोकाला, मैंने ताल ठोकाला का मतलब होली वो दिन से बसंत ऋतु शुरू होला, चूँकि अबीर सरस्वती माता जी को अबीर चढ़ाते हैं और फिर सारे लोग अबीर लगाते हैं और उस दिन से होली उत्सव शुरू हो जाता है। तो हमारा सरस्वती पूजा के बाद गाना छूटेगा, सरस्वती पूजा के बाद जो है यानी कि बन करके तैयार है छूटे, बन करके रेडी है। खेसारी जी और शिल्पी राज जी की आवाज़ में बहुत प्यारा होली है और आदिशक्ति कंपनी से छूटेगा, यानी कि सबसे पहला जो होली गीत है वो आदिशक्ति के माध्यम से ही आने वाला, आदिशक्ति के माध्यम से आएगा। और 2024 का मेरा पहला गाना खेसारी जी का भी आदिशक्ति से आएगा, पहला गाना 2024 का पहला गाना खेसारी जी का है मेरा। और खेसारी जी का गाया हुआ पवन पांडे जी का लिखा हुआ होली गीत का तो खैर जवाब लेंगे। हाँ, होली तो अच्छा होता है और लोग होली से उम्मीद रखते हैं मेरे, यानी कि इस बार भी उम्मीद पे खरा उतरिएगा। कोशिश तो यही है कि लोगों के दिल में जगह बनाऊँ, हर साल जैसे बनाते हैं होली, और मेरा होली होली के बाद ही बजता है। अच्छा, अभी हाल ही में अखिलेश कश्यप जी के सिस्टर का शादी था, वहाँ पे पवन पांडे जी नहीं नजर आए, लगभग सब लोग नजर आए, गए थे लेकिन स्टेज पे नजर नहीं आए। अच्छा, यानी कि घर पे गए थे स्टेज पर नहीं आए, इसलिए लोग कह रहे हैं कि पवन पांडे जी नहीं नजर आए। नहीं, शादी में तो गए थे, नेवता था तो जाएंगे। अच्छा, पवन पांडे जी वहाँ पे गए थे। अच्छा, वहाँ पे स्टेज के दौरान ही बहुत सारा क्लिप वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग उस पर आपत्ति उठा रहे हैं। खेसारी लाल जी स्टेज पर डिंपल सिंह जी को कहते हैं कि तू पवन भैया के पास रह चाहे हमारा पास रह, तोरा दोनों तरफ से सर्विसिंग बराबर मिली। अच्छा, वो स्टेज वहाँ पे कला दिखाने का वो स्टेज है या वो सर्विसिंग सेंटर है जो वहाँ पे सर्विसिंग हो रहा है? कोई वाशिंग मशीन थोड़े हैं लोग सर्विसिंग करना है, वो बोलने का अंदाज है और वो फनी है, स्टेज के लिए वो सब चलता है, स्टेज पे वो लोग अपना मजाक करें, पब्लिक तो वहीं देखना थी। आप अगर वो नहीं बोले होते तो आप भी नहीं बोलते, ना किसी को कमेंट करने का अति होता, तो चीज़ हर बात का अंदाज़ा गलत नहीं लगाना चाहिए। स्टेज पर बहुत ऐसे बात होते हैं जिसका अंदाज़ा लगाए तो बहुत गलत होगा, लेकिन उस चीज़ों को लोग पब्लिक जिससे इंजॉय करती है कलाकार वहीं है जो पब्लिक को रिझा दे, अगर गलत लगा तो पब्लिक को तुरंत वहीं पे विरोध करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे पब्लिक मतलब बाबा कैसे विरोध करेगी? वहाँ पे लोग ये थोड़ी कहने लगेंगे खेसारी भैया ये बात मत बोलिए नहीं तो हम चल जाएंगे घर। नहीं, देखिए पब्लिक को अच्छा लगती है, पब्लिक तो फनी बात सुनती है, ये विरोध करने वाले जैसे आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं ये लोग क्या है ना कि इन लोगों को मिर्ची लगे रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ इनको चाहिए, अगर अच्छा बोलें तो उसका कोई रिव्यू नहीं है। अभी इसके पहले चंदन चंचल का खूब लोग इंटरव्यू ले रहा था, अब नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं रहा, फिर उस तरह का कोई गाया नहीं है और चल नहीं रहा है, जो चलता है उसका इंटरव्यू लोग लेता है। और जो देखिए क्या है कि उस स्टेज पे डिंपल सिंह और डिंपल सिंह का एंट्री ही एक मसाला था,
वो खेसारी जी बोले चाहे नहीं बोले उसमें भी लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि डिंपल सिंह जैसे आते तो लोग न्यूज वाले बनाते हैं ये देखिए पवन सिंह को छोड़ के डिंपल सिंह ने खेसारी जी के साथ स्टेज शो किया, वो बोल के आप लोग को और मसा दिए, इससे कुछ नहीं है। देखिए क्या है, गलत आपको देखना है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप मुझे गलत नज़रिए से देखेगा तो मैं आपको कभी ज़िंदगी में सही नज़र नहीं आऊँगा। अच्छा, बहुत लोगों का ये कहना है कि खेसारी लाल जी ने एक महिला का जो है अपमान किया है, वहाँ पे समझिए कि डिंपल सिंह जी एक महिला है तो उनका जो है इज्जत करना चाहिए था, और मतलब अच्छे तरह से गाना गाते चाहे और भी मतलब डांस वांस कर करके लोगों को इंटरटेन कर पाते, उन्होंने शब्दों के दौरान ही इंटरटेन क्यों करना चाहा? महिला के साथ साथ तो एक आर्टिस्ट भी हैं, वो महिला आर्टिस्ट भी हैं, आपको हीरोइन भी हैं, गायक भी हैं, एक मॉडल भी हैं, तो आर्टिस्ट कई रूप होता है आर्टिस्ट का, और आर्टिस्ट अलग अलग अंदाज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर देखिए कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बोले कि कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते तो वही एट टाइम बोलते हैं, पीछे नहीं बोलता है कोई, पब्लिक बोलती तो तुरंत बोलती, तुरंत उसका विरोध करती। कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं जो गारे हुए चीज़ को खोद के इसको बारा बनाना चाहते हैं। यानी कि पवन पांडे जी ने जो उस चीज़ को देखा लगभग वहाँ पे स्टेज पर, आपने भी वो वीडियो लगभग बाद में देखा ही होगा, खेसारी लाल जी ने जो कहा, जो शब्द कहा, चाहे जो कुछ किया, वो सब कुछ सही था आपके नज़रिए से? देखिए मैं वीडियो बहुत कम देखता हूँ यूट्यूब का, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है जो आपको अथी, अब हम लोग दिन भर यूट्यूब में लगा रहेंगे तो अपना काम गाना करेंगे, तो हम लोग के पास बहुत सारा काम है, और आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं शायद वही जान भी गया कि ये चीज़, क्योंकि मैं स्टेज पे नहीं गा रहा हूँ, चूँकि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे जानकारी हो जाती है, आपके पहले भी दो लोग पूछ चुके हैं, तो ये चीज़ है। क्या देखिए उस क्या बोलना नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तरकुल लाइन में बोलते हैं चढ़ ऊपर से चढ़ब तो नीचे गिरब, तो बहुत सारा ऐसा मीनिंग है गलत, तो क्या है कि उसको आप लीजिएगा गलत नहीं जैसा, गलत है जो बोलता है कलाकार, कभी भी गलत नहीं बोलता है, कोई भी कलाकार सही बोलता है। लेकिन ये चीज़ तो कहीं ना कहीं से सही है ये नहीं है बाबा, जैसे लोग कह रहे हैं, हम खुद भी इस चीज़ को जहाँ तक देख पा रहे हैं कहीं से ये सही है ये नहीं है कि तू वहाँ रह चाहे यहाँ रह, तोरा दोनों जगह से सर्विसिंग बराबर मिली, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो अर्थ नहीं निकलता तो इसको आपको खूब विरोध करना चाहिए, खुल के आप लाइव आके, आपके पास भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, हर लोगों का आप अति आज़ाद भारत में आप हैं, आपको आज़ादी है बोलने की, आप खुल के बोलिए। लेकिन आपको ये चीज़ कह रहे हैं तो आपके नज़रिए से ये क्या है, सही है या गलत? हम कभी भी बोलेंगे कि जो भी कलाकार बोलते हैं वो सही बोलते हैं, स्टेज पर कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है कि आपके अथी गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, जो भी बात वो बोलते हैं, चाहे कोई भी खेसारी जी नहीं, पवन जी, प्रमोद प्रेमी, राकेश मिश्रा, कोई भी यानी भाऊ जो भी कलाकार हैं, सारे कलाकार उस अंदाज से बोलते हैं जैसे पब्लिक हंसे, बस उसको स्टेज तक किसी सीमित रखा जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में जैसे आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पवन सिंह जी के साथ भी, पवन सिंह जी के लिए भी कई गाने जो है तैयार है, कब हमारे ऑडियंस को देखने को मिला, क्योंकि पवन सिंह जी के जो फैन है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? देखिए जल्दी मिलेगा सुनने के लिए, हम तो बहुत पहले 2023 में गाना बना था, और अभी गाए हैं कि नहीं गाए हैं अप टू डेट मेरे पास नहीं है, जैसे ही गाएंगे तो मुझे अप टू डेट मिलेगा, मैं आपको लोगों को बताऊंगा। यानी कि गाना फाइनल हो चुका है पवन सिंह जी के साथ में, बहुत जल्द जो है देखने को मिल सकता है गाना, तो 23 में फाइनल हो चुका था, जल्द देखने को मिलेगा, 24 में मिल जाएगा या 25 हो जाएगा? नहीं देखिए उनका गाने का मर्जी है, कब गाएंगे कब छोड़ेंगे उन लोग का काम है। अच्छा अंततः एक लास्ट सवाल, डोली में गोली मार दे 3 का क्या अपडेट है, लोग 2024 में भी उस गाने को देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? डोली में गोली मार दे 3 एक उम्मीद है लोगों की, उस उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे हम, और डोली में गोली मार दे 3 आएगा जब खेसारी जी का केस शॉर्ट आउट होगा तो 3 आएगा, चूंकि उतरा 12 गाना है उसमें, मैं नहीं चाहता हूं कि जब गाना छूटे तो इस पे स्ट्राइक का मामला है चाहे कुछ भी मामला है। यानी कि 24 में जो है वो गाना नहीं देखने को मिलेगा, 25 में लास्ट में लगभग देखने को मिल सकता है। कोर्ट 24 में निर्णय दे देगी तो फिर 24 में सुनने को मिलेगा, अगर 25 में निर्णय देगी तो 25 में सुनने को मिलेगा। अच्छा अभी खरबूजा, नींबू खरबूजा, खेसारी लाल जी का गाना इतने कम समय में 100 मिलियन पार कर गया, के पवन पांडे जी उस गाने को लेकर क्या कहेंगे? 160 मिलियन है, ऑल ओवर है, एक चैनल पर 100 मिलियन है, एक महीने में सबसे तेज गाना है, अभी जितने लोगों का गाना छूटा है उसमें सबसे तेज गाना है। इस गाने को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? गाना अच्छा है तभी तो भाग रहा है, वो गाना कम से कम 500 मिलियन का है, वो जल्दी 200 मिलियन होगा 2-3 महीना में, यानी कि बहुत जल्द वो गाना जो है 200 मिलियन होने वाला है। अच्छा आज ही पवन सिंह जी का एक गाना रिलीज हुआ है, आरा बलिया छपड़ा, ये गाना आया और आते ही ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस गाने? सारे का मसे अच्छा गाना है, उसका टीजर ही बहुत अच्छा था, वो थोड़ा सा यूनिक चीज़ बनाया था, लोग यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अच्छा लगा था। यानी कि ये गाना भी अच्छा है और ऑडियंस को अच्छे गाने पे जो है सपोर्ट करना चाहिए, सुनना चाहिए। सारे का मगर लगभग गाना अच्छा होता है,
और उसमें पवन सिंह का है तो और अच्छा होगा। और पवन पांडे जी का लिखा हुआ कौन कौन से अदर अदर सुपरस्टार के साथ में आने वाला है? सब लोग के साथ में आने वाला है, रितेश पांडे जी के साथ आने वाला है, अंकुश राजा के साथ, कल्लू जी के साथ, सब लोग के साथ आने वाला है। चलिए पवन पांडे जी ने अपने बिजी शेड्यूल में इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।